Alright students, hello everyone, a very very good evening and a very warm welcome to the session. Kya haal hai bachcho? Hi, I am Ankana, your master teacher for social sciences at Vedantu. Hoping all of you guys are doing absolutely fine and amazing. तो भाई शुरू करते हैं आज का session. आज क्या करने वाले? करने वाले हैं आपके doubts को resolve, करने वाले हैं आपके सारे queries को resolve. कहाँ से? Constitutional design वाले chapter से. तो हमने आपके साथ फॉर्म शेयर किया था. नाउ अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव ऑलवेज आस्क्ड सीन कि कई सारे बच्चे मुझसे पूछते रहते हैं कि मैम ये फॉर्म्स कहाँ जा रहे हैं. बच्चों ये फॉर्म्स जो है ये आपके टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेंगे आपको, 9th and 10th का जो वेदांतु का टेलीग्राम ग्रुप है. अपार्ट फ्रॉम दैट सेशन के डिस्क्रिप्शन लिंक में भी फॉर्म्स के लिंक्स शेयर्ड होते हैं. अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लेना, चेकआउट कर लेना. एट द सेम टाइम अब हम कम्युनिटी पोस्ट भी डाल दिया करेंगे. वी विल पुट अप द लिंक ऑन द यूट्यूब चैनल इज वेल, ताकि आपको वहाँ भी मिल जाए. तो आप लॉस्ट फील ना करो, ये आइडिया है. सो कीपिंग दैट इन माइंड, वी विल बी शेयरिंग ऑल एवरीवेयर फॉर्म्स आपके साथ. प्लीज ब्रिंग इन एज मेनी डाउट्स एज यू कैन. आपको जो भी छोटे बड़े डाउट्स हैं, हम सिमिलर टॉपिक्स वाले डाउट्स को कंबाइन करके उस टॉपिक को एड्रेस करते हैं, ताकि आपका वो जो भी डाउट है वो क्लैरिफाई हो जाए उस टॉपिक से रिलेटेड. तो अगर एग्जैक्ट सेम वर्ड्स में आपको आपका सवाल ना दिखे तो ये मत सोचना कि मैम ने मेरा क्वेश्चन तो लिया ही नहीं है, क्योंकि आपको ध्यान इस बात पे देना होगा कि आपने जिस चीज से सवाल पूछा है वो एड्रेस हुआ है या नहीं, है ना? ठीक है. याशिका, नून, सुधा, ब्लू बॉय, हेलो. बिल्कुल मेंटी है ना, आज मेंटी है. मेंटी का कोड देख लेते हैं फटाफट. व्हाट इज द कोड फॉर मेंटी? सो हियर वी हैव अ मेंटी कोड. तो हमारा कोड है 8228782. बहुत सारे एट्स हैं, 8228782. ठीक है, सबने ले लिया कोड, नोट कर लिया. मेंटी ज्वाइन करना शुरू भी कर दीजिए. हम शुरू करेंगे, पहले जरा डाउट्स रिजॉल्व कर लेते हैं, ठीक है? अब इससे पहले कि डाउट्स रिजॉल्व करें, मैं आपको बता दूं कि वेदांतु हैज बिकम अनस्टॉपेबल स्टूडेंट्स. और आपको इससे ज्यादा, मुझे लगता है आपसे ज्यादा प्राउड कोई नहीं फील करेगा प्रॉबेबली, बिकॉज यू आर वेदेंस, राइट? आपको लग रहा होगा बहुत ज्यादा कि यार मेरा छाती तो बिल्कुल गर्व से चौड़ा हो गया, क्योंकि मुझे तो ऐसा लग रहा है. मुझे बताना आप ऐसा फील करते हो या नहीं करते हो, ठीक है? नहीं ऐशन्या, नहीं बच्चे, आई एम नॉट इन बैंगलोर. सो हमारा सीना अब इस बार क्यों चौड़ा हुआ है? आफ्टर NTSC का सक्सेस, 10th के 12th के रिजल्ट्स का सक्सेस, हमने, हमारे बच्चों ने वेदांतु के मचा दिया है. JEE मेंस 3 में 100% लेकर आए हैं 29 बच्चे इन फिजिक्स, 7 इन केमिस्ट्री एंड 9 इन मैथ्स. कैन यू इमेजिन? एंड ऑफकोर्स 99.9%+ आए हैं 27 बच्चों को, एंड 694 स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड मोर देन 99% विच इज अमेजिंग गाइज, अमेजिंग लिटरली. चलो क्या, ठीक है यार, अच्छी बात है. अब बढ़ते हैं आगे और आपको दिखा देते हैं मैम का वीकली शेड्यूल. तो अभी वीक तो स्टार्ट ही हुआ है, वी आर ऑन 24th August. कल के सेशंस हो चुके हैं, आज से लेकर के संडे तक आने वाले सारे सेशंस यहाँ पे लिस्टेड हैं. प्लीज चेक इट आउट एंड स्टे अपडेटेड. ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि आपको दिख रहा होगा कि जहाँ पे भी डाउट्स वाले सेशन होंगे या assertion and reasoning वाला सेशन होगा, आप उसके हिसाब से प्रिपेयर होकर आओ, पॉइंट नंबर वन. उससे भी ज्यादा जरूरी यहाँ पे ये हो जाता है कि जो डाउट्स वाले सेशन है उन सेशंस के लिंक में आपको आपका फॉर्म मिलेगा जहाँ से डाउट्स लेते हैं हम. तो इसलिए इसका ट्रैक रखना बहुत ज़रूरी है. और जो बच्चे यहाँ पे अगर ICSE से हैं तो यहाँ पे आप देख लो आपका शेड्यूल है, ठीक है? मैम मेंटी कोड बता दीजिए. बच्चे कोड तो है 8228782, ठीक है? कॉमेंट्स में डाउट डाला है बच्चा, कॉमेंट्स वाले डाउट की जगह हमने अब ये फॉर्म भेजा है, क्योंकि कई सारे रिविजन सेशंस किए थे हमने जहाँ पे वो सारे क्वेश्चंस भी एड्रेस हुए हैं वन शॉट वगैरह में. अगर आपको उसके बावजूद डाउट है तो हम वो डाउट्स रिपीट नहीं कर रहे, है ना? तो इसलिए आप ये फॉर्म्स में प्लीज ध्यान रख करके जरूर भर देना, ठीक है? चलो मूविंग ऑन, बढ़े आगे. वेदांतु OP है ना? बिल्कुल OP है. सो गाइज लेट्स मूव ऑन अहेड. व्हाट इज द डेट ऑफ इनैक्टमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो बच्चे कब से इनैक्ट करना शुरू किया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने, ये पूछा गया है. 26 नवंबर 1949, इस दिन से दिस इज द डेट 26 नवंबर इज द डेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस इनैक्टमेंट, ठीक है? मूविंग ऑन, सॉरी माय, ओ माय गॉड, व्हाट हैव आई डन?
Moving on to the next question. Was Sarojini Naidu a member of the Constituent Assembly? आप में से जितने लोगों को भी इसका जवाब पता है, हाँ या ना, जो भी आप गेस कर सकते हो बताओ तो मुझे, क्या लगता है आपको? सारे बच्चे मेंटी के कोड से ही फ्लड किए जा रहे हैं ना चैट. शाश्वत, बच्चे आई एम अ फैन ऑफ यू बिकॉज यू हैव जस्ट सेड दिस टू मी. शाश्वत हैज जस्ट मेंशन दैट आई लुक लाइक अ किड विच आई नो इज नॉट ट्रू बट आई फील सो गुड, थैंक यू सो मच. ओके, थी हमारी सरोजिनी नायडू जी थी, यस और नो, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में? बच्चों हाँ या ना, कई सारे बच्चों ने बोला है हाँ, कई सारे बच्चों ने बोला है ना, हमने एक लिस्ट में नाम पढ़े थे एंड ऑफकोर्स शी वॉज देयर, वन ऑफ द वेरी फ्यू फीमेल्स. और सरोजिनी नायडू पे मैंने एक अलग से सेशन भी किया है जहाँ पे उनके अचीवमेंट्स में भी मैंने ये बताया, शी वॉज वेरी एडुकेटेड एज वेल एंड शी वॉज वेल डिजर्व्ड देयर. वो डिजर्व करती थी, मतलब आई मीन लाइक शी टोटली डिजर्व्ड टू बी देयर. तो सरोजिनी नायडू वॉज सर्टेनली इन दी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हिस्सा थी वो, श्रीमती सरोजिनी नायडू. It reminds me of some lines of the Kashmiri poet who said, "Bulbul ka gul mubarak, gul ko chaman mubarak, rangin tabiyaton ko range shukam mubarak." Oh my God, heavy. I don't know what does that mean, but ठीक है, बढ़ते हैं आगे. आगे बढ़े? Yes. ठीक है. Okay, guys, if you're really happy that we are doing these sessions, जहाँ पे हम आपके doubts लेकर उसको resolve कर रहे हैं, तो of course you would want us to tell that. तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू शो दिस इन योर इन द कॉमेंट सेक्शन, बिकॉज हमें पता तभी चलता है कि आप लोगों को ये हेल्प कर रही है या नहीं, एंड वी डिसाइड ऑन टेकिंग इट फॉरवर्ड, उसमें और ज़्यादा एनहैंसमेंट करना या उसको लेकर आगे जाना. जब आप हमें बताते हो कि मैम दिस वॉज अमेजिंग, प्लीज़ ब्रिंग सच सेशंस मोर, जब आप वीडियो को लाइक करते हो, जब आप वीडियो को शेयर करते हो, तो अगर आपको लग रहा है कि ये जो डाउट सॉल्विंग वाले अलग से सेशंस हम कर रहे हैं मेंटी के रिवीजन के साथ, सुपर रिवीजन ऑफ द सेशंस अलोंग विद डाउट सॉल्विंग, तो डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, डू नॉट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, एंड ऑफ कोर्स मेक श्योर टू मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन. और बच्चे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब नहीं करोगे तो जो भी सेशन से उनकी नोटिफिकेशंस आपको नहीं आएंगे. इनफैक्ट मैं अभी थोड़ी देर पहले एक सेशन में थी, ठीक है, और मुझे एक बच्चे ने बोला कि मैम 6:15 पे आपके सेशन का नोटिफिकेशन आ रहा है मुझे. वो नोटिफिकेशन इसलिए आ रहा है क्योंकि सेशन उसने सब्सक्राइब किया हुआ था चैनल, तो आप भी कर लेना एंड यू वुडंट वांट टू मिस ऑन दीज नोटिफिकेशंस बच्चों, क्योंकि सिर्फ मेरे सेशंस नहीं, आप जब सब्सक्राइब करते हो चैनल तो सारे टीचर्स के जो भी आने वाले सेशंस होते हैं, इंटरैक्टिव सेशंस होते हैं, डाउट सॉल्विंग वाले सेशंस होते हैं, जो भी नई सीरीज स्टार्ट होते हैं, इन सब की इंफॉर्मेशन मिलती है हमें, ठीक है. चलो बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ. इफ सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लीमेंट्स सम रूल्स इन एजुकेशन सिस्टम विच इज इन कॉन्करेंट लिस्ट बट द स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट रेडी टू इम्प्लीमेंट इट, इन दिस केस हूज डिसीजन इज फाइनल? ऐसे केस में किसका डिसीजन फाइनल होगा? ओके, जहां पे भी बच्चे देखो, आपने यहाँ साफ साफ लिखा है कि कॉन्करेंट लिस्ट है. वैसे तो ये टॉपिक आप फेडरलिज्म चैप्टर में और अच्छे से पढ़ोगे, फेडरलिज्म चैप्टर जब हम क्लास 10th में, नॉट दिस ईयर ऑफकोर्स, क्लास 10 में जब हम पढ़ेंगे ना, तो वहां पे ये और डिटेल में दिया हुआ है कि कौन सी लिस्ट किसके ज्यूरिस्डिक्शन के अंडर आती है, किसका किसके ऊपर ज्यादा पावर है. बट यहाँ पे आपने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है कि एक ऐसा सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट में, मैं यहाँ एडुकेशन को नहीं ले रही हूँ, मैं इन जनरल बोल रही हूँ कि आपने बोला है कि द नेम ऑफ द सब्जेक्ट इज ए टॉपिक है, ए टॉपिक कॉन्करेंट लिस्ट में. अब कॉन्करेंट लिस्ट क्या होती है? कॉन्करेंट लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसपे ज्यूरिस्डिक्शन दोनों यूनियन गवर्नमेंट के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट की भी होती है, दोनों उस पर लॉज मेक कर सकते हैं. तो ऐसे केस में इट्स वेरी नॉर्मल कि देर माइट हैपन अगर सम केसेस जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, यहाँ पे जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन हो, जहाँ पे लोग अलग अलग चीज़ें डिजायर कर रहे हो, ऐसे में क्या होगा? ऐसे में बच्चे बात यूनियन गवर्नमेंट की मानी जाएगी, ठीक है. तो ऐसे में क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी चाहता है वो प्रिवेल करता है, वही होता है. तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहता है थोड़ा सुपीरियर बन जाता है यहाँ पे, और सेंट्रल गवर्नमेंट की मर्जी से होती है काम, ठीक है. नेक्स्ट, व्हाट डू वी सी कॉमन इन द प्रीएम्बल ऑफ इंडिया, अफ्रीका एंड यूनाइटेड स्टेट्स? इन तीनों ही स्टेट्स, इन तीनों ही जगह के उस पर प्रीएम्बल में हमें क्या कॉमन दिखता है? तो ये देखो, यहाँ पे हमें यूनाइटेड नेशन का प्रीएम्बल दिख रहा है, यहाँ पे हमें साउथ अफ्रीका का दिख रहा है. आप खुद आइडेंटिफाई करो, पढ़ो, क्या लग रहा है बच्चों? आप देखो, आई एम गोना गिव यू 30 seconds, आई वॉन्ट यू गाइज टू गो थ्रू दिस एंड फील एंड टेल मी कि क्या दिख रहा है, क्या कॉमन लग रहा है आपको, दिख रहा है कुछ?
basic rights, equality, inclusion of everyone, we the people common dikh raha hai, inclusion of everyone irrespective of who they are, right? बिल्कुल. तो हैंड राइटिंग नहीं, हैंड राइटिंग तो बिल्कुल भी नहीं है. सो बच्चे देयर आर मल्टीपल थिंग्स हम जो देखते हैं कि यहाँ पे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है ना, इंक्लूजन है लोगों के लिए, ये सारी चीज़ें, फ्रेटर्निटी की बात है, ये सब कुछ हमें यहाँ पे दिखता है. ठीक है, ये सब हमें यहाँ पे दिखता है. ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Why the members of Constituent Assembly selected 26th January as Republic Day or the day of adoption of Constitution? अगर enactment date 26th November थी, यानी कि Constitution 1949 के 26th November को ready हो चुका था, तो हमने इस दिन को क्यों नहीं adopt किया, 26th January को क्यों adopt किया है? ये 10th के बच्चे तो बहुत आराम से बता पाएंगे. मुझे आपसे पूछना है, आप में से किसी को भी idea, आप try करो, मैं बताऊंगी उसके बाद. आई विल टेल यू, नेहरू जी ने बोला था, बट नेहरू जी ने क्यों बोला था, रीजन क्या है? देखो बच्चे, हर एक चीज के पीछे कुछ ना कुछ वजह होती है. वजह क्या है इसके पीछे? बिकॉज ऑफ पूर्ण स्वराज. तो पूर्ण स्वराज मिल गया था हम लोगों को. वॉट वॉज द रीजन? लाहौर सेशन. एग्जैक्टली, क्या बात है. क्योंकि पूर्ण स्वराज की डिमांड की गई थी 26 नवंबर को लाहौर सेशन में. वहां पे नेहरू जी ने कहा था कि हम पहला इंडिपेंडेंस डे अपना मनाएंगे 1929 में. वो सक्सेसफुल नहीं हुआ. वो जो मूवमेंट थी जहाँ पे पूर्ण स्वराज, फॉर द फर्स्ट टाइम कंप्लीट इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट किया जाने वाला था, कि भाई अंग्रेजों तुम बाहर निकलो, तुम्हारी कहानी खत्म हो गई है, हमें पूर्ण स्वराज मिल गया है, आप निकलिए यहाँ से. लेकिन क्योंकि ज़्यादा लोग नहीं आए, बहुत मोमेंटम नहीं मिला, तो वो मूवमेंट गिर गई नीचे कहीं ना कहीं. बट वो डेट बहुत इंपॉर्टेंट थी. ये डेट हैड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले. इट हैड इट्स वेरी इट्स ओन चार्म. तो अब इस चीज़ को हम छोड़ना नहीं चाहते थे, पहली चीज़ को, पहली तारीख को. इसीलिए इसी दिन हमने कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अडॉप्ट किया. ठीक है, नाउ गाइस, अ लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन राइट नाउ व्हिच इज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन इन आवर हेड्स. जैसे कि अभी हमने देखा है कि CBSE ने नया फॉर्मेट दे दिया टर्म वन टर्म टू का. आप में से कितने लोग सुपर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो इस टर्म वन और टर्म टू का डिविजन सुन करके? MCQ questions आएंगे, टर्म टू का भी पता नहीं है. कितने लोग फुल ऑन कॉन्फिडेंट है? रेज योर हैंड्स एंड इफ नॉट गिव मी अ थम्स डाउन. अगर नहीं डर लग रहा है तो थम्स डाउन दे दो या ब्रोकन हार्ट दे दो. ये मी तो भैया मेरे लिए बहुत कंफ्यूजिंग है. अगर आप लिख दोगे कि मैम मी, तो इट विल बी वेरी वेरी कंफ्यूजिंग फॉर मी. व्हाई? बिकॉज आप कौन से सवाल का जवाब देकर मी लिख रहे हो, ये मैम को पता नहीं चलेगा. ठीक है, MCQ is difficult. क्योंकि क्लैरिटी नहीं मिल रही है, कन्फ्यूजन आ रहा है, क्योंकि हमें पता नहीं चल रहा है. एग्जैक्टली. तो कुछ थम्स डाउन आ रहे हैं, कुछ क्वेश्चन मार्क्स आ रहे हैं, कुछ ब्रोकन हार्ट्स आ रहे हैं. कोई नहीं, कोई नहीं. आपके हिसाब से इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? वॉट डू यू थिंक इज द सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम? ईजी है, ईजी भी लग रहा है. 40, गौरी 40. देखो बच्चों, अभी कन्फ्यूजन मार्क्स को लेकर के भी है ना. तो आप में से कितने लोगों को लग रहा है कि भाई इसका कुछ सोल्यूशन होगा हमारे लिए? और क्या होगा सोल्यूशन? क्या लग रहा है आपको, पॉसिबली क्या सोल्यूशन हो सकता है इस प्रॉब्लम का? डाउट सॉल्विंग सोल्यूशन हो सकता है? अरे वाह वाह मेरे बच्चों, क्या बात है. तो बच्चों, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन, तो यार मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ वेदांतु ही है पूरी दुनिया में, ऐसा नहीं है. आपका अपना स्कूल भी है, देयर आर लॉट ऑफ अदर सपोर्ट सिस्टम्स दैट वी हैव. बट द सोल्यूशन रियली इज प्रैक्टिसिंग. द सोल्यूशन इज प्रॉपर गाइडेंस. आपके लिए क्या सिस्टम है, क्या नहीं है, आई डोंट नो. बट आई वॉन्ट यू टू नो दैट वी आर देयर फॉर यू. हम हैं आप लोगों के लिए. वी वेदांतु इज देयर फॉर यू. आपको सिर्फ यहाँ पे क्लैरिटी ही नहीं मिलेगी. जैसे ही सैम्पल आएगा, पेपर आ जाएगा, उस तरह के हज़ार सैम्पल पेपर्स और सॉल्व करने को नहीं मिलेंगे, बट रेगुलर प्रैक्टिस भी मिलेगी, गाइडेंस भी मिलेगी कि कैसे करना है, क्या करना है, विद योर फेवरेट टीचर्स, विद द बेस्ट एक्सपर्ट्स इन द नेशन ऑफ द सब्जेक्ट्स. और मिलेगी 100% नॉलेज एंड 100% मार्क्स. अब करना क्या होगा? वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन है. सो वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन के साथ अभी मिल रही है वेदांतु इम्प्रूवमेंट प्रॉमिस. फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ ऑनलाइन टीचिंग समथिंग लाइक दिस इज बीइंग ऑन ऑफर्ड. ऐसा सुना नहीं आपने कभी, और आप अचंभित हो जाओगे, बट ये है क्या, ये मैं बताऊंगी आपको. ठीक है, सो गाइज, एवरीवन, एनीवन हु ऑलरेडी नोज अबाउट दिस एंड फील्स कि मैम ये तो मत करो हमारे साथ अभी,
गो टेक अ स्ट्रेच, थोड़ा स्ट्रेच करके आओ, 5 मिनट में मिलते हैं हम, ठीक है? फॉर द स्टूडेंट्स हु जेन्युइनली वॉन्ट्स टू नो अबाउट दिस, क्योंकि आपने कभी सुना नहीं है, ये उनके लिए बच्चे, हमें से कई सारे लोग ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स हैं, हमें पता है, इट्स ओके, बट देर सो मेनी स्टूडेंट्स जिनको यहाँ पता नहीं है एंड वो आर प्रॉबली वॉचिंग दिस सेशन फॉर द फर्स्ट टाइम, तो उनके लिए बताते हैं, ठीक है, ताकि उन्हें भी सपोर्ट मिल सके, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू रीच एज मेनी स्टूडेंट्स इज पॉसिबल, ठीक है? तो सुन लेते हैं. सो अनलिमिटेड सेशंस हैं, सारे के सारे सेशंस बिल्कुल लाइव हैं, और इन हर एक सेशन में जो आप मेंटी का इतनी बेसब्री से इंतजार करते हो, उससे भी कुछ सुपर अमेजिंग होता है, वो है लाइव क्विजेस. अब ये सुपर अमेजिंग कैसे है बच्चे, मेंटी या तो हम सेशन के शुरू में या एंड में ऐसे करते हैं ना, श्री रजनी करेंगे, मेंटी भी करेंगे. अभी देखो बच्चे बिल्कुल एक्साइटेड, हम मेंटी हो गया क्या, है ना अंशुल? तो बच्चे क्या करना है यहाँ पे, मेंटी होगा, बट मेंटी से भी बेटर इसलिए होता है ये कि हर टॉपिक के बाद आपसे कुछ क्विज क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी कि मल्टीपल राउंड्स ऑफ क्विजेस होते हैं थ्रू आउट द सेशन, मेकिंग द सेशन वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरैक्टिव, एट द सेम टाइम गिविंग यू अ लॉट ऑफ एक्सपोजर. अभी एक्सपोजर कैसे मिल रहा है हमें इतना सारा, क्योंकि यार हम कम्पीट कर रहे हैं, हम लर्न कर रहे हैं दूसरे लोगों के साथ, ठीक है? तो ये डिफरेंट क्या है, डिफरेंट ये है कि हमारे पास एक बहुत ही अमेजिंग नया स्किल डेवलप हो रहा है यहाँ पे, वो है ग्लोबल कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर पाने का एक एक्सपीरियंस और स्किल. कैसे, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट जस्ट फ्रॉम इंडिया, ऑल्सो देर आर स्टूडेंट्स जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड से भी आते हैं, अलग अलग हिस्सों से आने वाले बच्चे भी हैं यहाँ पे. साथ ही साथ अगर आपका कोई सेशन मिस हो जाता है तो आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास रीप्ले का ऑप्शन है, और ये रीप्लेस पहले जैसे बिल्कुल भी नहीं रह गए. यहाँ पे आप क्विजेस लाइव कर पाओगे और लीडर बोर्ड पे आ भी पाओगे, यानी कि रीप्लेज आर ऑल्सो इंटरैक्टिव. आई मीन लाइक कैन यू इमेजिन, आप प्रीमियर चीज देख रहे हो, प्री रिकॉर्डेड चीज देख रहे हो, और वो लाइव और इंटरैक्टिव फील दे रहा है, अमेजिंग है ना? साथ ही साथ नोट्स की प्रॉब्लम सबको होती है ना, हम सबको होती है, आप सबको होती है या नहीं? बिल्कुल. अब ये नोट्स की प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो बच्चे यहाँ आपको ऑलरेडी मिलती हैं नोट्स बनाई हुई, जो आपकी लाइफ काफ़ी आसान कर देती है. यू कैन ऑलवेज लुक एट दीज नोट्स, आप इसको कर सकते हो डाउनलोड अपने डिवाइस पे, फोन पे, लैपटॉप पे, जहाँ भी चाहिए, एंड इट कम्स विद द हैंड रिटन नोट्स ऑफ मास्टर टीचर्स. तो टीचर्स पढ़ाते वक्त बहुत कुछ इंपॉर्टेंट स्क्रिबल कर देते हैं हमारे. ओ शुभम, दैट इज सुपर डुपर अमेजिंग एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू. थैंक यू सो मच फॉर लेटिंग मी नो दिस एंड हैविंग द हैप्पीनेस, शेयरिंग द हैप्पीनेस ऑफ योर सक्सेस एंड फॉर दैट मैटर ऑल द स्टूडेंट्स. यार तुम लोग गजब के महान स्टूडेंट्स हो, बिकॉज यू गाइज आर वर्किंग हार्ड. हम तो पढ़ाते ही हैं, बट अल्टीमेटली इट्स योर हार्ड वर्क दैट पेज ऑफ, राइट? विच इज अमेजिंग, है ना सुहानी? ओके, अमेजिंग अमेजिंग. सो बच्चे, हम टीचर्स कई बार स्क्रिबल कर देते, और बच्चों आपको हमेशा लगता होगा, मुझे भी लगता था कि मैम अब क्या करें, मैम ने लिख दिया है, ये रेज हो जाएगा, ये लिखना है, ये इंपॉर्टेंट है, और इस चक्कर में ना हम सुनना भूल जाते हैं जो भी पढ़ाया जा रहा होता है, उस वक्त एक्सप्लेन किया जा रहा होता है. अब आपको इन सब चीज़ों का स्ट्रेस नहीं लेना है, एवरी थिंग दैट मास्टर टीचर्स राइट, एक तो नोट्स मिलेंगी, प्लस मास्टर टीचर्स जो भी लिख रहे होंगे वो सारी हैंड रिटन नोट्स भी आएंगे, आपको मैं दिखाऊंगी कैसा दिखता है ये. साथ ही साथ बच्चे डाउट्स सारे के सारे आपके सेशन में ही सॉल्व हो जाएंगे. नाउ हाउ विल दैट हैपन, सिंपल सी बात है, सारे सेशंस लाइव है, यहाँ तो कभी लाइव का कभी प्रीमेड सेशंस होते हैं तो ये प्रॉब्लम होती है, बट यहाँ सारे सेशंस लाइव है, ऑल द सेशंस विल बी लाइव. यहाँ पे मास्टर टीचर्स अकेले होते हैं विद सो मेनी स्टूडेंट्स, यहाँ पे मास्टर टीचर्स के साथ होते हैं क्लास टीचर्स भी. अब ये क्लास टीचर्स कौन है भैया, क्लास टीचर्स बच्चे हमारे अमेजिंग अमेजिंग सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स होते हैं, जो हमारे मास्टर टीचर्स को और हमें आपको सपोर्ट करने के लिए आते हैं, आपके डाउट्स को रिजॉल्व करके थ्रू आउट द सेशन. तो ये इंटरैक्टिव आपके साथ कॉन्स्टेंटली इस सेशन में दे आर डेडिकेटेडली गोइंग टू रिजॉल्व ऑल योर डाउट्स एंड क्वेरीज. दैट्स हाउ अमेजिंग द होल सेटअप इज. प्लस आपको जो भी डाउट्स आते हैं, जो भी प्रॉब्लम आती है, वो आप जैसे यहाँ पे जब पब्लिक चैट में लिखते हो तो खो जाता है कई बार, हाय हेलो दिस दैट कमेंट्स में, वो पब्लिक चैट की प्रॉब्लम है. बट यहाँ पे पब्लिक चैट के साथ साथ एक Q&A पैनल है, जहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ अपने डाउट्स प्लेस करते हो, सिर्फ और सिर्फ अपने डाउट्स रेज करते हो, जो कि क्लास टीचर्स और मास्टर टीचर्स आपके रिजॉल्व करते जाते हैं. हर कुछ दिन के बाद टेस्ट्स आपको मिलेंगी, विच विल हेल्प यू ट्रैक योर प्रोग्रेस एंड असाइनमेंट्स फॉर एवरी चैप्टर. साथ ही साथ बच्चे, अगर कोई चैप्टर का असाइनमेंट करने के बाद आपको लगा कि ये वाला तो समझ नहीं आया, अब ये कैसे करेंगे, तो आपकी ज़िंदगी इतनी डिफ़िकल्ट अब नहीं रहने वाली है, यही मैं आपको कहना चाह रही हूँ. क्यों? क्योंकि
क्योंकि अब ये वाले डाउट्स जो है ना, आपके ये वाले जो स्पेसिफिक टॉपिक से जो समझ नहीं आए, वो आप माइक्रो कोर्स के साथ कर सकते हो रिसॉल्व. ये अनलिमिटेड है और बिल्कुल फ्री है विद द प्रो सब्सक्रिप्शन. ये टॉपिक एंड कॉन्टेंट स्पेसिफिक, और आई वुड से मेरे हैंड राइटिंग काफ़ी बुरी है, काफ़ी बुरी लग रही है यहाँ पे. टॉपिक कंटेंट या फिर चैप्टर स्पेसिफिक है. जैसे कि अगर रे डायग्राम नहीं समझ आया लाइट्स वाले चैप्टर में, या फिर आपको केमिस्ट्री में बैलेंसिंग या फिर इक्वेशन या किसी सर्टेन फॉर्म ऑफ कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम हुई वैलेंसी वगैरह में, या फिर सोशल साइंस में नेशनलिज्म इन इंडिया नहीं समझ आया, यू कैन जस्ट गो एंड अटेंड द पर्टिकुलर सेशन एंड यू विल बी सॉर्टेड. साथ ही साथ बच्चे जैसे NTSC के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो गए, जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो गए, सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के क्रैश कोर्सेज भी अवेलेबल है, और फॉर द सेम प्राइस जो प्रो सब्सक्रिप्शन का है, मेकिंग लेस अ लॉट मोर. वेयर लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आखिर कहाँ पे मिलेगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, एंक प्रो कोड है, आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा इस कोड को लगाते. अब बात ऐसी है कि आप ये लोगे क्यों? वाई विल यू बाई दिस? देयर सो मेनी ऑप्शंस आपके यूट्यूब पे ऑलरेडी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही हैं. बच्चे वहाँ पे आपको मिलता है ज़्यादा अटेंशन. जैसे मैंने आपको बोला, डाउट सॉल्विंग एप्स भी हैं अलग से, बट मोर देन दैट यू गेट टू इंटरैक्ट विद द टीचर. यहाँ पे कितना भी हो, मैं मैसेज पढ़ रही हूँ, बोल रही हूँ, वहाँ पे हम बात कर सकते हैं. म्यूट एंड कैम, सो मच पर्सनल इन नेचर, सो मच मोर फोकस, ज़्यादा असिस्टेंस, सो मेनी मोर फैसिलिटीज़ जो यहाँ यूट्यूब पर सिर्फ सेशन है और कुछ नहीं है. आपको मैं बोल रही हूँ, आई एम अर्जिंग, प्लीज़ गो एंड टेक दिस अप, चेक इट आउट. एटलीस्ट एक महीने का ट्रायल पैक भी है. मतलब एक बार सोचो ज़रा यार, कितनी अमेजिंग बात है. ट्रायल पैक भी है, यानी कि अगर श्योर नहीं है कि पूरे साल में कैसे पैसे इन्वेस्ट कर दे, तो सिर्फ एक महीने के लिए करके देखो. एक महीने का ट्रायल पैक छोटे से अमाउंट में लेकर देखो, अच्छा लगे तो अपग्रेड कर लेना. सो ये ट्रायल पैक से आपको फील आ जाएगी पूरी की पूरी कि सही है या नहीं है. राइट नाउ व्हाट डू यू हैव टू डू? यू जस्ट हैव टू गो हियर. ठीक है, ये सेशन है जो हम देख रहे हैं, जहाँ आप फुल लॉन्च चल रहे हो. गाइज, डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, डू नॉट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो. अभी हम मेंटी शुरू करने वाले हैं, तो अपने फ्रेंड्स को बुला लो फटाफट. आप यहाँ पे जाके करोगे शो मोर. ठीक है, द मोमेंट यू गो ऑन शो मोर एंड यू स्क्रोल डाउन, ये आपका लिंक आ जाता है प्रो का. आप इस पर जब जाते हो, तो आप यहाँ अपना टारगेट सेलेक्ट करोगे, एंड यू व्हेन यू स्क्रोल डाउन फर्दर, यू सी थ्री ऑप्शंस ऑफ लाइट, क्लासिक एंड प्लस. एज आई टोल्ड यू, ये सारे फैसिलिटीज ऑफ लाइव सेशंस, टेस्ट सीरीज, उनका एनालिसिस, असाइनमेंट्स, नोट्स, डाउट सॉल्विंग, ये सब तो बेयर मिनिमम है जो हम आपके लिए करेंगे करेंगे. इसलिए ये सारे ही प्लान्स में अवेलेबल है. तो आखिर इतने प्लान्स क्यों हैं भैया अलग अलग? ये इसलिए हैं बच्चे, क्योंकि हमें ऐसा रियलाइज हुआ कि हर एक बच्चे की प्रॉब्लम अलग होती है. तो हर एक बच्चे के लिए अवेलेबल चीज़ें होनी चाहिए, डिफ्रेंशिएटेड लर्निंग होनी चाहिए, डिफ्रेंशिएटेड केटरिंग होनी चाहिए. सो वी हैव एन ऑप्शन ऑफ अ डाउट सॉल्विंग ऐप. आप ये देखो, ये डाउट सॉल्विंग ऐप है जो आपको मिलता है क्लासिक और प्लस दोनों के साथ. ये क्या है? आपको डाउट्स तो कभी भी आ सकते हैं. इट डज नॉट आस्क आर परमिशन कि अभी आऊँ या नहीं आऊँ, या सेशन में आऊँ या क्या करूँ. तो भैया, सेशन के पहले या बाद में अगर डाउट्स आ गए, तो हम कहाँ जाएंगे? हम थोड़ी वहाँ पर बैठ जाएंगे कि यार अब तो लग गई हमारी, हम कुछ नहीं कर सकते. हम डाउट्स पूछेंगे, और कहाँ पूछेंगे? तो इस ऐप पे पूछ सकते हो आप, सेशन के पहले, सेशन के बाद, दो साल बाद, जब भी मन करे तब. पर्सनल मेंटर यार हर एक किसी को चाहिए होता है, कि एक गाइड तो होना चाहिए. काश कोई ऐसा ऐसा होता जिसको फ़ोन करते और पूछ लेते सब कुछ, कि ये अभी क्या करना है. वो यहाँ पे मिल रहा है. दे विल हेल्प यू, दे विल सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम्स, डाउट्स, जो कुछ भी असाइनमेंट, टेस्ट, हर एक चीज़ में मदद करेंगे हमारे पर्सनल मेंटर्स हमें, जो कि हमें मिलता है विद द प्लस सब्सक्रिप्शन. अभी प्लस सब्सक्रिप्शन की सबसे अमेजिंग एडवांटेज ये है कि यहाँ पे बच्चों, आपकी स्ट्रेंथ जो होती है हर एक सेशन की, वो सिर्फ और सिर्फ 15 होती है. यानी कि सिर्फ 15 बच्चों के साथ आप जब करोगे, तो सोचो कितनी पर्सनलाइज लर्निंग होगी. तो ये प्राइसेस यहाँ पे गिवन है. आप जब अप्लाई कर देते हो, कूपन कोड जो कि आपको दिख रहा होगा, ये जो ट्रायल पैक मैंने आपको बताया सारे फीचर्स के साथ, सिर्फ 2070 रुपीज़ में आती है. अगर आपको अच्छा लगा, देन यू अपग्रेड टू 26999. देन वी हैव द क्लासिक सब्सक्रिप्शन, जिसकी ट्रायल पैक आती है 2790 की. वैन यू अपग्रेड फॉर द इंटायर सब्सक्रिप्शन, यू गेट 37349. एंड फाइनली वी हैव द प्लस सब्सक्रिप्शन, विच अदरवाइज वी गेट फॉर 4050 रुपीज़, बट वैन यू अपग्रेड इट टू इंटायर ईयर सब्सक्रिप्शन, आपको मिलती है 48599. सो दैट इज वॉट इट इज. जब आप कर लेते हो सब्सक्राइब, तो आपके नोट्स जो मैंने आपको बताया, देखो बच्चे ऐसे नोट्स दिखते हैं, यू कैन सी द हैंड रिटन नोट्स ऑफ मास्टर टीचर्स, और आप इसको यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो. Now, where do you have to go? So, let me quickly show you. I'll have to open the session. वहाँ पे मेरे ये रहा. Okay.
सो गाइज दिस इज अ डैशबोर्ड दैट यू विल गेट. आपको एक इस तरह का डैशबोर्ड मिलेगा जहाँ पे अपकमिंग और हो चुके सारे सेशंस दिखाई देंगे. अपकमिंग ये है, पास्ट में जाकर देखोगे सो यू कैन सी ऑल दी सेशंस हैव हैपेंड. अगर हम यहाँ पे ओपन करते हैं रीप्ले और गेट नोट्स, तो नोट्स आपको उसी तरह से यहाँ पे दिख जाएंगे. रीप्ले अगर आप करते हो तो यू कैन सी इतने सारे क्विज क्वेश्चंस हुए हैं. सो मेनी डाउट्स वर आस्ड, 295 डाउट्स वर आस्ड एंड 294 डाउट्स वर रिजॉल्व. सो दिस इज हाउ अमेजिंग इट इज. आई थिंक देर इज नो रीजन एज टू वाई यू शुड नॉट चेक इट आउट. एंड डाउट सॉल्विंग हो रही है, टेस्ट मिल रहे हैं, असाइनमेंट्स मिल रहे हैं, वो सब आपको आपके लिए रेडिली अवेलेबल है. जिन बच्चों को लग रहा है कि मैम बहुत ज़्यादा है, तो बच्चे आप पार्ट्स में ईएमआई में भी पे कर सकते हो, तो आपकी वो बर्डन भी कम हो जाएगी. एंड ऑफकोर्स आप चिप्स के पैकेट से भी कम है पर एक सेशन का कॉस्ट, क्योंकि अनलिमिटेड सब्सक्रिप्शन है ना, अनलिमिटेड माइक्रो कोर्सेज है. सो दैट इज हाउ अमेजिंग. प्लस द वेदांत इम्प्रूवमेंट प्रॉमिस. नाउ दिस एज आई टोल्ड यू गाइस इज हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ ऑनलाइन टीचिंग. वी आर नॉट जस्ट अश्योरिंग एंड इंश्योरिंग कि आपकी प्रोग्रेस होगी, हम ये वादा ही नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि इम्प्रूवमेंट होगी एंड वी विल शो इट टू यू. इट्स गोइंग टू बी टैंजिबल, आपको दिखेगा. ऐसा नहीं है कि ये बातें हैं फिलोसफीज है, यू विल बी एबल टू सी दिस, यू विल बी एबल टू एक्सपीरियंस इट. आपकी इम्प्रूवमेंट गारंटीड है, आपके स्कूल टेस्ट में दिखेगी, आपके वेदांतों के बेंच मार्क टेस्ट में दिखेगी, हर एक जगह आप देख पाओगे अपना ग्राफ गोइंग अप एंड अप. एंड इफ यू फील दैट इज नो प्रोग्रेस, नो क्वेश्चन आस्क्ड, मनी गिवन बैक. और कंडीशंस भी नहीं है हिडन, दो कंडीशंस हैं. आपको ये याद रखना है कि ये लॉन्ग टर्म बैचेस के लिए हैं जिसमें आपका अटेंडेंस 75% होना चाहिए और आपने आपके जो भी टेस्ट एंड असाइनमेंट्स आपको शेयर किए गए आपने 75% कंप्लीट करे होने चाहिए. अगर आपने ये सब कर दिया तो आपके पैसे वापस, अगर आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिली तो, और मिल गई तो आप तो सॉर्टेड हो ही. सो गाइज विद दैट दिस इज द डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ योर बैचेस, डू चेक इट आउट. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. If the preamble is not legal part of constitution, how is it important? Please explain. बच्चे preamble जो है आपके हमारे केस में, ये जो केशव नाना भारती केस है 1973, declared preamble as a part of constitution of India. तो जब ये include हो ही गया है तो of course it is very important. ये question ही नहीं है कि legal part या illegal part नहीं है. अगर आप ये पूछ रहे हो कि इसका यूज़ क्या है, तो इट हैज़ द गाइडिंग प्रिंसिपल्स, द मेन गाइडिंग प्रिंसिपल्स दैट इंडिया वर्क्स ओवर. तो आप वो देखोगे तो वो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंट्रोडक्शन है, हमें दिखाता है कि हम किन चीज़ों को फॉलो करते हैं. जस्टिस, सिक्योर, वी आर सेक्युलर, वी आर सोशल, वी हैव फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, द बिग वर्ड्स दैट वी टॉक अबाउट इज राइट ओवर देयर. राइट मैम, आई हैव अ डाउट. ऑफकोर्स यू डू. Now our condition is different from that of past. So why are we are following the same constitution? And constitution is there and law is there. But many people didn't get justice. Then what is the benefit of this old constitution? Very good question. Very good question. कि आखिर जब हमें आज़ादी को इतने साल मिल गए, 75 साल तो आज़ादी को मिल गए, इतने साल से constitution and same system क्यों follow कर रहे हैं, दुनिया इतनी बदल गई. बच्चे इतने सारे लोग थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स और इन सारे लोगों को रिप्रेजेंटेटिव्स, एक्चुअली मतलब रिप्रेजेंटेटिव्स, लोगों ने ही उनको इलेक्ट किया था. तो आप ऐसा समझो कि इतने सारे ग्राउंड एक्सपीरियंसेस से आने वाले लोग थे कि इन लोगों ने इतना अमेजिंग कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है कि ये आज के डेट में भी परफेक्टली एप्लीकेबल है. ऑफकोर्स कंसिडरिंग कि हमने उसमें रिक्वायर्ड अमेंडमेंट्स करते गए हम लोग एज एंड वेन इट वॉज रिक्वायर्ड, जैसे जैसे वक्त में हमें ज़रूरत पड़ी हम उसमें अमेंडमेंट्स करते गए, थोड़े बहुत चेंजेस लाते गए. अब लोगों को अगर जस्टिस नहीं मिली तो बात ऐसी है बच्चे कि जस्टिस इज एन आइडिया, इट डिपेंड्स ऑन द पीपल. अगर हम नया कॉन्स्टिट्यूशन ले भी आते हैं तो इट विल नेवर इंश्योर कि लोगों को जस्टिस मिल ही जाएगी. लोगों को जस्टिस दिलाना मेरे आपके हमारे देश की जुडिशरी के हाथ में. So that is the whole point. So because the ideals and principles mentioned in constitution are the need for democratic nation, इसलिए हमें constitution तो चाहिए, वो ही law है. और ये लोगों की के ऊपर depend करता है कि हम कितने बढ़िया से, कितने अच्छे से इस constitution को implement करते हैं. तो इट इज़ वी हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनजस्टिस, एज आई टोल्ड यू. इट्स नॉट द कॉन्स्टिट्यूशन. द कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रीटी मच एंड वेरी मच स्टिल एप्लीकेबल एंड वेरी वेरी रेलिवेंट. ठीक है. What was apartheid? Can you explain me in detail? Of course, apartheid was a racial discrimination thing. Okay, it was basically an idea जो whites लेकर आए. So ये South Africa में follow होता था. South Africa में आपको पता होगा जैसे कि colonization यहाँ India में हुई, वैसे ही South Africa में भी हुई थी. और वहाँ पे minority में बिल्कुल handful of whites, they used to rule over the
what do you say, साउथ Africans, द ब्लैक्स, जो वहाँ के नेटिव्स इंडिजीनियस लोग थे. अब ये लोग क्या करते थे, यहाँ पे वाइट्स एक पॉलिसी फॉलो करते थे अगेंस्ट द ब्लैक्स एंड इट वॉज बेस्ड ऑन रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. दीज पीपल द ब्लैक्स वर नॉट अलाउड, कई जगह पे अलाउड नहीं थे जहाँ पे वो जाते थे, वाइट्स जाते थे, उन ट्रांसपोर्ट्स को यूज़ करना, उन रेस्टोरेंट्स को यूज़ करना, उन सारे पब्लिक प्लेसेस पे जाना उनका अलग था, उनको कई जगह प्रॉपर्टी खरीदने नहीं दिया जाता था, ऐसी सारी चीज़ें चलती थी. तो लोगों में डिफ्रेंसीशन, सेग्रीगेशन, डिस्क्रिमिनेशन रेस के बेसिस पे, कलर ऑफ स्किन के बेसिस पे किया जाता था एंड दैट इज व्हाट वाज नोन एज अपार्टहाइड. ठीक है, ओके. सो गाइज विद दिस वी हैव क्लियर्ड ऑल द डाउट क्वेश्चंस दैट यू गाइज हैड. नाउ वी गोइंग टू मूव टू मेंटी. सो इफ यू गाइज हैव नॉट ऑलरेडी हिट द लाइक बटन, डू इट. मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा वॉट इज द नेक्स्ट चैप्टर जो आपको चाहिए एंड आपको क्या ये हेल्प कर रहा है, इज देयर समथिंग एल्स दैट यू वुड वॉन्ट मी टू ब्रिंग इन. एंड इफ यू लाइकिंग इट, डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन. शेयर कर देना फ्रेंड्स को, बुला लो मेंटी के लिए और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आ जाए. नाउ आई विल मूव ऑन टू मेंटी. हम बढ़ते हैं मेंटी की तरफ. This is your mentee का कोड 8228782 8228782 is your mentee code. Come on students, if you have not already joined, join it right now. अगर आपने already join नहीं किया है तो अभी से भी join कर लीजिए. ठीक है, guys, waiting for everyone to join. 8228782 is our mentee code. Quickly join, guys. I'm gonna get started in another 10 seconds. अगले 10 सेकेंड में मैं शुरू करने वाली हूँ and then we will wind up constitutional design. Hi Tanishka, hello G Ravinder Kaur, Kanishka, hi bachche, hi Achita, Aparna, Farhan. अभी यहाँ पे बताओगे बच्चे तो मैम भूल जाएंगी, इसलिए आप बताओगे कहाँ, कमेंट सेक्शन में. ठीक है, सो आई ऑलरेडी हैव, आई कैन सी ऑलमोस्ट 170 किड्स हु हैव ऑलरेडी जॉइन द मेंटी. सो गाइज वी आर गोइंग टू गेट स्टार्टेड एज सून एज इट हिट्स 175. Meanwhile, let's see कि कितने लाइक्स हो गए. मैम को भी एक्साइटमेंट होती है यार, जैसे आपको मार्क्स देखने की एक्साइटमेंट होती है, मैम को लाइक्स देखने की एक्साइटमेंट होती है. सो वी हैव ओके 229 लाइक्स, वेरी लेस, काफी कम है बट ठीक है, चलो बढ़ते हम हमारे सेशन में आगे. एंड हियर इज द वेरी फर्स्ट मेंटी क्वेश्चन. आवर कॉन्स्टिट्यूशन बिगिंस विद अ शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ इट्स बेसिक वैल्यूज विच इज कॉल्ड इट्स प्रीफेस, इट्स प्रीएम्बल, इट्स इंट्रोडक्शन और आर्टिकल. ये जो हमारा छोटा सा स्टेटमेंट है जिससे कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन करता है, विच इज ऑल्सो द इंट्रोडक्टरी डॉक्यूमेंट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, उसका नाम क्या है? क्या उसको हम प्रीफेस कहते हैं, क्या उसे हम प्रीएम्बल कहते हैं, क्या उसे हम इंट्रोडक्शन कहते हैं, या फिर उसे हम आर्टिकल कहते हैं? व्हाट डू वी कॉल इट, आवर कॉन्स्टिट्यूशन शॉर्ट स्टेटमेंट दैट इट बिगिंस विद? एंड द करेक्ट आंसर इज बी, प्रीएम्बल. 146 ऑफ यू हैव आंसर्ड एब्सोल्युटली करेक्ट, 85%. क्या बात है, क्या बात है, अमेजिंग बच्चों, गुड जॉब. एंड बी इज द करेक्ट आंसर. सो लेट्स क्विकली लुक एट योर लीडर बोर्ड. देखिए लीडर बोर्ड, सो वी हैव लव साइट ओजस्व तुमार, ओके ओजस्व, ओके थैंक यू ओजस्व, यू हैव मेड इट वेरी इजी फॉर मी. पिछले बार काफी टंग ट्विस्टर जैसा हो गया था आपका नाम ओजस्व. ओके सो ओजस्व तुमार, अमन हितिन, बिग फैन ऑफ अंकना मैम, सो स्वीट ऑफ यू हितिन, वान्या, अविशी, अमन, गुड इवनिंग बच्चे, जेसिका, भूमि, महेश्वरी, ऑफकोर्स यू विल कीप परफॉर्मिंग वेल, एंड निश्चिता, हैव मेड इट टू द लीडर बोर्ड, गुड जॉब, गुड जॉब. मूविंग ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन, तीसरा सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, सॉरी दूसरा सेकेंड. Dash was the chairman of the drafting committee of the Constituent Assembly. तो हमारी जो Constituent Assembly form हुई थी इतने सारे लोगों की, उसके chairman कौन थे drafting committee की? Was it Dr. Rajendra Prasad? Was it Jawaharlal Nehru? Was it Dr. B.R. Ambedkar? और Abdul Kalam Azad? A, B, C, D. Guys, last 10 seconds remaining.
सो क्विक क्विक क्विक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जे एल नेहरू, बी आर अम्बेडकर और अब्दुल कलाम आजाद. मैम, इज द थर्ड चैप्टर ऑफ सिविक्स कमिंग इन? व्हाट इज द, आई मीन लाइक, कुड यू प्लीज आस्क मी चैप्टर वाइज? और बच्चे, सिलेबस शेयर किया है मैंने, आप प्लीज, मैंने एक सेशन पूरा डिटेल किया है 10th और 9th दोनों के लिए कि कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं, डू चेक इट आउट, राइट? ओके प्रियल, सो 137 ऑफ यू हैव आंसर्ड एब्सोल्युटली करेक्ट, अमेजिंग. 73% ऑफ यू हैव आंसर्ड एब्सोल्युटली राइट. आदित्य ने कर दिया है मिसक्लिक, कोई बात नहीं. Now we will have a quick look at the leaderboard. I think Ojaswi ne kar li hai pehli position gain. Kya baat hai? Ojaswi, congratulations, followed by Ivania, Rishika, Yogesh, Vishi Sharma, Tanishka, I love you too, bachche. Ankana ma'am, OP, high five, and Aman Varma, Priya and Menti. Kya baat hai? Round of applause for everyone. Amazing guys, amazing. Moving on to the next question, third question. हाँ जी योगेश, आ गए लीडर बोर्ड में, है ना, सब आसान है, एवरीथिंग इज वेरी इजी. ओके, साउथ अफ्रीका बिकेम अ डेमोक्रेटिक कंट्री ऑन, साउथ अफ्रीका डेमोक्रेटिक कंट्री कब बनी? बहुत क्लोज डेट है ये, ध्यान से सोचो. 26 अप्रैल 1995, 26 अप्रैल 1994, 24 मार्च 1994 और 27 अप्रैल 1996. व्हेन डिड दिस हैपन? हाँ जी, बताएंगे साउथ अफ्रीका कब बनी डेमोक्रेटिक कंट्री? Yes? नहीं पता, सिर्फ 5 questions हैं. हाँ जी फायर गर्ल, रिविजन कर रहे हैं ना, हमने कई सारे डाउट questions भी करे, राइट? 26 अप्रैल 1994, बच्चे 1994 याद रखना है, सिर्फ 50% बच्चे कर पाए सही, क्योंकि कन्फ्यूजन हो गई होगी. ये डेट इंपॉर्टेंट है, कुछ डेट्स इंपॉर्टेंट होती हैं, उनको आइडेंटिफाई करो, उनको थोड़ा सा किसी ट्रिक से याद रखो कि हाँ भैया इस महीने के ये साल में. डेट एग्जैक्ट नहीं भी याद रखोगे तो ध्यान रह जाएगा. सो वी हैव ओजस्व, देन वी हैव एन इमोटिकॉन फॉलोड बाय अविशी, निशी, नाइन्थ विल विन सर्टेनली, अंकना मैम, ओपी, ऋषिका सिन्हा, अमन, गुड इवनिंग दैट हैप्पी गर्ल, क्रांति मैम्स फैन, आई एम सो स्वीट ऑफ यू, एंड अपर्णा ऑन द लीडर बोर्ड. नाउ मूविंग ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन ऑफ टूडेज सेशन, चौथा सवाल, ठीक है गाइज, फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन्स. अमना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बच्चे आप कैसे हो? द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेट फॉर डैश डेज, हाउ मेनी डेज डिड दे मीट फॉर ड्राफ्टिंग के लिए? 114, 280, 365 या फिर 150? आपकी मर्जी बच्चे, आप ज्वाइन करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो, menti.com पे जाओ, 8228782 कोड लगाओ, एक सवाल बचा है, अभी से भी कर लो ज्वाइन, कोई बात नहीं. I can see a lot of students are joining and getting out. तो ये नंबर तो ऊपर नीचे होते रहते हैं, आप ज्वाइन करते रहो, ठीक है रोहन? ठीक है बच्चे, एंड 97 ऑफ यू हैव आंसर्ड एब्सोल्युटली करेक्ट, इट इज 114, कंग्रेचुलेशंस. यार ये मिसक्लिक वाला फंडा तो बहुत पंगा वाला है, इतना टाइम तो मिलता है बच्चे, ध्यान से पढ़ लो पहले, हड़बड़ा जाते हो ना आप सब. ओके तो देखते हैं जरा, वी हैव ओजस्व, अविशी, ऋषिका, अपर्णा, योगेश, निशांत यादव, 9C सेंट मैरीज, चिन्मय, ऑफकोर्स आई नो, हाय बच्चे, विदुषी, स्कूल रीओपेंड, यस, टिया एंड ऋषिता. अब इसी के साथ हम आ जाते हैं आखिरी सवाल पे, लास्ट क्वेश्चन इट इज, लास्ट क्वेश्चन फॉर यू गाइज इन 5, 4, 3, 2, 1 एंड योर on your screens. The Constitution of India was adopted by the Constituent Assembly on, हमने अभी किया है कि adoption कब हुई थी और enactment कब हुई थी, तो confuse मत होना आप, अगर आपने doubts देखे हैं तो आपको पता होगा इसका जवाब. 26 January 1949, 26 January 1950 और 26 January 1949. हाँ जी, जल्दी जल्दी, लास्ट 9 seconds, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड वी गोना हैव आवर फाइनल आंसर्स ऑन आवर स्क्रीन्स. एंड गाइस, 75 ऑफ यू हैव आंसर्ड एब्सोल्युटली करेक्ट एंड वी आर गोइंग टू मूव टू द फाइनल लीडर बोर्ड, आखिरी लीडर बोर्ड देखेंगे हम.
Okay, let's see. So we have Ojaswa, who has actually taken over and has got the first position, followed by Avishi, Yogesh, Nishan, Janvi, Aparna, Tia, Hiten, Vansh, and Aditi. Kya baat hai? Amazing, amazing, Ojaswa. My heartiest congratulations to you. All of you guys have done amazingly well. So students, with this, we come to the end of the session and I hope to see you guys soon. Till the next time, stay home, stay safe, take good care of yourselves. हमने आज पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन के सारे डाउट्स जो है वो रिवाइज किए हैं. अगला सेशन आने वाला है, सो कीप लुकिंग फॉर द फॉर्म जहाँ पे आप अपने डाउट्स शेयर कर सकते हो. ये फॉर्म कहाँ अवेलेबल है? सेशंस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम ग्रुप पे. टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. अदरवाइज आपको चैनल के कम्युनिटी अनाउंसमेंट्स में भी मिल जाएंगे फॉर्म्स के लिंक्स, ठीक है. So I will see you guys super soon. Till then, stay home, stay safe. बताना मत भूलना कमेंट सेक्शन में which other chapter you want और कैसा लगा आज का सेशन. मिलते हैं जल्दी. Till the next time, stay home, stay safe, stay subscribed, stay tuned. Do not forget to like the video and do not forget to share the video. Bye guys. Have a great evening. Good night.